आज मैं बनाने जा रही हूँ ये वाला डोरमेट। इसके लिए मैंने साड़ी और चुन्नी ली हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं इस पार्ट्स को आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने इसमें 10 फंदे डाले हैं, ये मैं छोटा बता रही हूँ, और इसमें मैंने 18 फंदे डाले हैं। ये आप पेयर के हिसाब से कितने फंदे का भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको डोरमेट चाहिए। तो देखिए, पहली रो एक मैं पैटर्न बता दे रही हूँ इसमें आपको। इसमें देखिए पहली रो से ही डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक फंदा छोड़ देंगे और इसको पलट लेंगे। और देखिए उल्टी साइड से ये रेड कलर जो लगा है इसको मैं लगा दूंगी। ये देखिए काफ़ी इजी है, काफ़ी जल्दी भी बन जाता है ये, और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, इधर से देखिए इसको उल्टा बना लेंगे, एक फंदा यहाँ पर उतार लेंगे, धागा आगे। ये देखिए इसमें भी एक फंदा छोड़ देंगे और यहाँ से पलट लेंगे। ये देखिए, अब देखिए ये वाला कलर लगा देंगे। दो दो रो डाल रही हूँ मैं दोनों कलर की। ये देखिए, अब देखिए इसी तरीके से मैं इसमें लाइनिंग डालते हुए बनाऊंगी। ये देखिए, एक फंदा उतारा, धागा आगे करके। ये देखिए एक फंदा मैंने फिर छोड़ दिया और यहीं से इसको पलट लिया। अब यहाँ से देखिए रेड कलर लगा देंगे इसमें। ये देखिए, ये रेड लगा लिया और इस रो को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये इस तरह से दो रो डाल ली हैं रेड की, और इसमें ये हमारी देखिए एक दो तीन चार रो पड़ी हुई हैं, चार चार रो पड़ी हुई हैं इसमें, और आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं सिर्फ एक कलर से ही इसको बुनूंगी, इस तरीके से सारे फंदे अब इसी से बुनूंगी और एक एक फंदा छोड़ते हुए इसको बनाऊंगी। ये देखिए, इसको उतार लिया, धागा आगे किया। एक फंदा फिर छोड़ दिया। अब देखिए मैं कलर चेंज नहीं करूँगी यहाँ से, ये वाली देखिए डिजाइन जो है वो पढ़ के आ जाएगी आपकी इस तरह से। अब देखिए इस कलर से मैं इसको लास्ट एक फंदे तक बुन लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने लास्ट एक फंदे तक बुन लिया। आप देखिए यहाँ से मैं इधर को बुनूँगी, जिस तरह से देखिए ये इधर को आया है। तो देखिए यहाँ से एक फंदा ये उतार लेंगे और एक फंदा तक बुना है मैंने, एक मैं आगे से ले लूँगी। ये देखिए यहीं से इसको पलट लूँगी। ये देखिए फिर एक फंदा उतारूँगी, धागा आगे, इसको देखिए आगे वाले फंदे को बुन के यहीं से पलट लूँगी। अब देखिए इस फंदे को और बुन लेती हूँ मैं, रेड लगाऊंगी जब। ये देखिए मैंने यहाँ तक इसको बुन लिया है, अब पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये रेड कलर लगाना स्टार्ट कर देंगे उल्टे साइड से। ये देखिए फिर एक फंदा उतार लेंगे, धागा आगे, ये देखिए रेड वाला फंदा ले लिया। आप देखिए यहाँ से मैं ये वाला कलर लगा लूँगी। देखिए ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए मैं यहाँ तक इसको बुन के कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए लास्ट में
मैंने इसको यहाँ तक बुन लिया है। आप देखिए ये एक पार्ट्स इसका तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको चार पार्ट्स में भी बना सकते हैं अलग अलग, मैंने इसको एक साथ बनाया है। अब देखिए फिर मैं यहाँ से इसी तरीके से जिस तरह से स्टार्ट किया था इसी तरीके से दूसरा पार्ट्स इसमें ये दूसरा कोना बनाऊंगी, फिर तीसरा और चौथा, और देखिए लास्ट में सिर्फ ये इतना सिला हुआ है। इसी तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया है। ये देखिए अब मैं इस तरह का पार्ट्स लगाऊंगी इसमें, तो इसके लिए मैंने ये एक फंदा डाला है इसमें, और देखिए इस तरह से इधर से निकाला तो एक फंदा ये बढ़ा लिया मैंने, और देखिए इधर से एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे तो तीन फंदे हो गए हमारे पास। फंदा बढ़ाने का तरीका आपका जो भी हो, आप कैसे भी इसमें बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए इस तरह से तो ये चार फंदे हो गए हमारे पास। एक इधर से बढ़ाएंगे तो ये पांच हो गए। जब पांच फंदे हो जाएंगे हमारे पास तो देखिए यहाँ से ये देखिए पिंक कलर मैंने अटैच किया है, एक फंदा मैं पिंक का बुनूंगी इसमें। ये देखिए यहाँ से एक बुन लिया, उसके बाद बाकी फंदे जो दो हैं इसको मैं ब्लू से ही बुनूंगी। ये देखिए अब देखिए इधर से बुनेंगे ऐसे, एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे तो ये तीन फंदे ब्लू के हो गए हमारे पास। एक एक फंदा बढ़ता जाएगा इस तरीके से। ये देखिए इसको बैक साइड करेंगे, ब्लू आगे लाएंगे। ये देखिए यहाँ से फिर मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी इस तरह से। आप देखिए दो फंदे ये इधर से, एक इधर से पिंक बुन लिया और एक बीच वाला और एक ये, तीन फंदे बीच में पिंक हो गए। इसको आगे इस तरीके से बना लेंगे ऐसे। एक फंदा और बढ़ाएंगे, इस धागे को उधर कर दिया। ये देखिए तीनों फंदे पिंक से बुन लेंगे, इसको इधर इस तरीके से। आप देखिए यहाँ से इसमें मैंने बीच में 15 फंदे किए हैं, जिस तरह से मैंने ये यहाँ पे तीन फंदे कर लिए इसी तरीके से इसमें 15 करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से सारे फंदे ब्लू से बुन दिए हैं इस तरीके से। ये मैं छोटा बता रही हूँ आपको, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग फंदे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से एक रो मैंने इधर से निकाल ली और एक इधर से उल्टी बुन दूँगी ऐसे। यहाँ से ये देखिए इसको दो का एक करते हुए सारे फंदे उतार दूंगी। ये देखिए इस तरीके से दो का एक करते जाएंगे और सारे फंदे उतार दिए हैं मैंने। इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से मैंने उतार के ये कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये वाले चार पार्ट्स बनाए हैं मैंने, और देखिए ये वाले छः बनाए हैं। तो इसको मैंने इसी तरीके से बनाया है, जिस तरीके से मैंने ये बनाया है इसमें मैंने 14 फंदे डाले हैं, और ये देखिए चार लाइनिंग मैंने डाली है, फिर कलर चेंज कर लिया, फिर बाकी फंदे इस तरह से बना दिए हैं। और इसी तरीके से मैंने ये छह पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। तो देखिए अब मैं इनको सिलूँगी, तो देखिए यहाँ से मैं इस तरह से इसको रखूँगी ये देखिए, और देखिए एक पार्ट्स मैं ऐसे रखूँगी यहाँ का, और एक देखिए इस तरीके से इधर को ऐसे इस तरीके से, और एक यहाँ पे ऐसे लगाऊंगी। देखिए एक साइड का इस तरीके से, और ये वाला हाफ वाला पार्ट्स है जो यहाँ पे लगाऊंगी, और एक देखिए इस जगह लगाऊंगी, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे आगे इस सेट कर। ये देखिए इस तरह से मैंने इनको इस तरह जोड़ लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट्स इस तरीके से जोड़ दूँगी ऐसे, इस कोने से इस कोने तक। तो देखिए एक साइड का ये जुड़ के कंप्लीट हो जाएगा। इस पे रखेंगे और यहाँ से ऐसे मिलाते हुए और इसको ऐसे सिल देंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से एक साइड का ये सिल के कंप्लीट कर लिया है। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ आपको। और देखिए आप देखिए दूसरे साइड का पार्ट्स इस तरह से यहाँ तक ये ऐसे रखूँगी मैं, और देखिए
तीन पार्ट्स में ये वाले रखूँगी, येलो वाले। तो देखिए ये देखिए इस तरीके से एक तो यहाँ से ऐड कर दूँगी और एक इस तरह से ऐसे, और ये वाला इस तरीके से। और देखिए ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, जिस तरह से मैंने ये सिला है इसी तरीके से मैं सेम इसको यहाँ पे पूरे उतने ही पार्ट्स हैं जिस तरीके से इस दर के हैं, मैं सिल के कंप्लीट करके दोनों साइड के उसी तरीके से सिल के। ये देखिए इन पार्ट्सों को मैं इस तरीके से यहाँ से रख के और इसको पलट लूँगी इस तरह से, यहाँ से देखिए इस कोने से मैं इसको मिलाते हुए सिलूँगी। ये मैं ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग धागे का भी, मोटा धागा होना चाहिए मजबूत जिससे आप सिल सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक ये आ गया है। ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको सिल लिया है। अब देखिए इस पार्ट्स को मैं इस तरीके से यहाँ से इतना पूरा ये सिलेंगे और यहाँ तक सिलेंगे। तो इसको मैं यहीं से अभी पलट ले रही हूँ ऐसे, उसके बाद इसको सेट कर दूँगी ये वाला पार्ट्स। ये देखिए यहीं से मैं इसको सिलना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए ये भी सिल के कम्प्लीट हो गया इस तरह से। और देखिए यहाँ से इसको सेट करेंगे बीच में, ये कोने पे ऐसे आ जाएगा और इसको मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ से इसको ऐसे ये सिल के कम्प्लीट करती हूँ।